भाई देखिए, सब कुछ ठीक तो नहीं है उस गठबंधन में, और आप अलग अलग दलों के अगर आप बात सुनेंगे, जिस तरीके से ममता बनर्जी जी ने मात्र 2 सीटें देने की बात कही, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब में सारी सीटों पर लड़ने की बात कर रही है, जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री की पार्टी ने ही 1-2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा औपचारिक तौर पर उन्होंने कर दी है, और कई ऐसी सीटें हैं जिसपे सब जान रहे हैं कि भाई कौन प्रत्याशी होगा, मुंगेर की सीट सबको पता है कौन लड़ेगा। इसी तरीके से हर एक घटक दल के बीच में सीटों के तालमेल को लेकर जिस तरीके से कठिनाइयां सामने आ रही हैं, ऐसे में ये गठबंधन चुनाव तक एक रहेगा कि नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर खड़ा है। पूर्व में भी हम लोगों ने ये प्रयास कई बार होते हुए देखा, पर कभी भी चुनाव आते आते तक ये तमाम घटक दल एक साथ रह नहीं पाए। ऐसे में अभी तक संयोजक ये लोग तय नहीं कर पाए हैं, कब से बैठकों का दौर चल रहा है, एक निशान तक लोगों तक ये रिलीज़ नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में चुनाव इतने करीब होने के बावजूद जब आप बेसिक चीज़ें ही नहीं कर पाए, तो ऐसे में ये लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे ये लगता तो नहीं है। ईडी के टीम पर बार बार ईडी पर ऐसे तो जुमानी हमले होते थे, उसको तरह तरह के तोता, क्या एजेंसी, कैसे एजेंसी कहा जाता, अब तो हमले किए जा रहे हैं। बंगाल में तो बजाते अधिकारियों को पीटा गया है, सिर फट गया है, गाड़ियों को हमला किया गया। देखिए, केंद्र की एजेंसियों के अधिकारियों पर इस हमले की निंदा लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, मैं खुद इसकी निंदा करता हूँ, ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। केंद्र एजेंसी जांच के लिए जब कहीं जाती है और उन पर इस तरीके से हमला किया जाता है, और ये पहली बार नहीं है, ख़ास तौर पर बंगाल में अगर आप देखें तो ये पहली बार नहीं है कि अधिकारियों के ऊपर इस तरीके से हमला हुआ, बट जिस तीव्रता से इस बार हमला किया गया, जिस इंटेंसिटी के साथ किया गया, वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। और ख़ास तौर पर तब जब ये हमला राज्य सरकार की संरक्षण में हुआ हो, ये मुझे कहने में कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं है, ये पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से करवाया गया ये हमला है और राज्य सरकार के संरक्षण में किया गया ये हमला है। अयोध्या राम मंदिर को लेकर के विपक्ष हमलावर है, इनविटेशन की बात करता है, नहीं मिलने की बात करता है, जाएंगे नहीं जाएंगे। इस बीच नालंदा के एक एमपी हैं कौशलेंद्र जी, जदयू के एमपी है, उन्होंने तो मैंने अजीब तरह की टिप्पणी कर दी, उन्होंने कहा कि बेटे की शादी है कि वो बुलाएंगे या श्राद्ध में जाना है कि वो निमंत्रण पत्र देंगे। बौखलाहट है इन लोगों की, ये बौखलाहट है। जिस मुद्दे को मुद्दा बनाकर दशकों से ये लोग राजनीति करते आए, दशकों से ये लोग हिंदू मुस्लिम के बंटवारे की राजनीति करते आए, दशकों से ये लोग अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते आए एक खास धर्म विशेष के लोगों की, आज जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 22 तारीख को जब विधिवत तरीके से रामलला जी का वहाँ पे उनको प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो ये बौखलाहट है। इसीलिए अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं, राम हमारे दिल में बसते हैं, निमंत्रण की हमें क्या ज़रूरत है, मंदिर, भाई अगर नहीं ये सब है, तुम्हें नहीं इतनी परवाह है, तो फिर क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? जिसको जाना होगा वो जाएगा, जिसको निमंत्रण मिलेगा वो जाएगा, नहीं निमंत्रण मिल रहा है, इस बात की बौखलाहट है इन लोगों को। ये जिस तरह से अभी महागठबंधन, इंडी गठबंधन, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बिहार पीछे पिछड़ता जा रहा है। आज ही महिंद्रा फाइनेंस से दिन दहाड़े 10 लाख की डकैती हो गई है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदतर होती जा रही है। और मेरे मुख्यमंत्री जो मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनको संयोजक बनने की चिंता है। क्या उनको चिंता है कि जो प्रदेश में लूटमार हो रही है या प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, नव वर्ष की शुरुआत नहीं हुई कि आपराधिक घटनाओं ने फिर से तेजी पकड़ ली है, तो क्या मेरे मुख्यमंत्री को इस बात की चिंता है? एक बयान, दिल्ली में भागे भागे जाएंगे संयोजक बनने के लिए बैठकों में, हर प्रयास कर लेंगे, दिन भर फोन पे लगे रहेंगे, कभी इससे बात करेंगे, कभी उससे बात करेंगे कि कोई अपनी दिया दृष्टि इनके ऊपर डाल दे और इनको संयोजक बना दे, इनको चेहरा बना दे प्रधानमंत्री पद का मौजूदा प्रधानमंत्री के सामने, पर एक शब्द इनकी मुंह से बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर, एक शब्द इनके मुँह से बिहार के बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर, या जिस तरीके से बिहार देश के सामने पिछड़ता जा रहा है उसको लेकर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। पर हाँ, इनके संयोजक बनने की बात आएगी तो भागे भागे दुनिया के किसी भी कोने में इनको ले जाइए, ये चले जाएंगे। लेकिन राम मंदिर को लेकर के राजद खास करके काफ़ी हमलावर है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं मंदिर में, रूढ़िवादी, अपीजमेंट, तो अस्पताल खोलने की बात हो रही है कि वहाँ अस्पताल खोला जाना चाहिए था, स्कूल खोला जाना चाहिए था। तो भाई क्यों नहीं कर दिया, क्यों नहीं कर दिया आप लोगों ने? केंद्र सरकार का हिस्सा ये लोग नहीं थे क्या इससे पहले? क्या केंद्र में इन लोगों की सरकार नहीं थी?
यूपीए में तो लंबे समय तक इनके नेता, उसके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ के उसमें मंत्री थे, बड़े पद पर थे, तो उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने ये सारे प्रयास कर लिए? क्यों नहीं उस वक्त, भाई कुछ नहीं, मंदिर बाद में बनेगा, पहले हम अयोध्या में एक अस्पताल खुलवाते, क्यों नहीं उस वक्त जाके इन्होंने अस्पताल खुलवाए? हकीकत है ये सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि कैसे मौजूदा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ मजबूती से आगे बढ़ रही है।